आइए बेटा करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब कंपलसरी एक्सपेंसेस, चार्ज मतलब कंपलसरी, यानी वो खर्चा जो देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब होता है मर्जी, यानी जिसपे हमारी फॉर्म की मर्जी चले। बेटा इसको ध्यान समझना, जो चार्ज कंपलसरी वाले आइटम है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये देंगे ही देंगे, यानी टू बी प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉस। ये हमने लॉस के केस में भी देनी ही देनी है, और एप्रोप्रिएशन टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। ये कब देनी है बेटा? सिर्फ प्रॉफिट के केस में। फिर जितनी भी चार्ज वाली आइटम है वो हमारी पी एंड एल अकाउंट में जाती है, और ये जाती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे चार्ज होते हैं। इसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, यानी आपकी मैनेजर कमीशन भी इसमें आएगा, रेंट भी इसमें आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है, इसलिए हमने इसे डालना ही डालना है। यहां सिर्फ हमारी चार आइटम्स आती है, आईओसी, पार्टनर की सैलरी, कमीशन और आपका रिजर्व। इसलिए आपको याद हो मैनेजर कमीशन वाले क्वेश्चन में हमने मैनेजर की कमीशन को प्रॉफिट में से माइनस करा था। बेटा एक बात सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूँ। जो भी ये चार्ज वाले आइटम्स हैं, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इसको हम प्रॉफिट में से पहले ही माइनस करेंगे, उसके बाद हम जाके नेट प्रॉफिट अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। नेट प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, आई रिपीट, जितनी भी चार्ज वाली आइटम है उसको हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, उसके बाद ही हम अपना नेट प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। दिखाता हूँ, हमारा था मैनेजर की कमीशन, देखो हमने यही तो करा था क्या, कि 3 लाख में से 15,000 पहले ही माइनस करे उसके बाद लिखा था, उसका रीजन ये था। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भानु प्रताप पार्टनर्स है, इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स As on 1st April 2022 were 8 lakh and 10 lakh respectively. Fixed capital दे रखी है पहले ही, तो यानी fixed का मतलब current account. Their drawings during the year were ₹50,000 and 1 lakh. Drawings कितने की है? 50,000 और 1 lakh की. Interest on capital is a charge. Underline this thing. यहाँ पे एक line लिख दी, interest on capital is a charge. यानी ये कंपलसरी हो गया, देना ही देना है। एंड इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, कितना परसेंट? 10%। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है सर, यानी ये भी कंपलसरी है। मैंने कहा मेरे बच्चा, मैंने आपको यहाँ एक्सपेंसेस के लिए बोला है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सपेंस होता है फॉर्म के लिए? नो, इनकम है, ठीक है। एक्सपेंस चार्ज किसे बनाया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। आगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 1,20,000, नेट प्रॉफिट 1,20,000 का था। तो आओ बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, अब तो देना ही देना है। आईओसी कितना हो जाएगा? भानु का 8 लाख का 10% तो सीधा लिख लेते हैं हम, भानु का आ जाएगा 80,000, प्रताप का क्या हो गया इसे, भानु का 80,000, प्रताप का 1 लाख, राइट। अब बनाते पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
बेटा बाय नेट प्रॉफिट मत लिखना, बाय नेट प्रॉफिट 1.2 लाख मत लिखना, क्यों? आपको अभी मैंने एक पॉइंट बताया है कि जो भी चार्ज वाली आइटम है आपने पहले ही प्रॉफिट में से माइनस करनी है, तो कितना रह जाएगा खुद देखो, प्रॉफिट आपका 1,20,000 का और चार्ज वाली आइटम है 80,000 और 1,00,000 की, 80,000 एंड 1,00,000 -60, यानी क्या आ गया बेटा आपका लॉस आ गया। तो यहां क्या आ जाएगा 2 नेट लॉस, कितना 60,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, चार्ज है तो पी एंड एल अकाउंट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पर आ जाएगा। आईओडी कितना कितना है 15% है, कितना हो जाएगा भानु प्रताप का, कितनी है ड्रॉइंग्स, हमारी ड्रॉइंग्स है 50,000 और 1,00,000 की, बट वेट डेट गिवन है नहीं, तो क्या करोगे 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे, तो 50,000 का 15% मेरा हो गया 75 और आधा कर दो 3750 और इसका हो जाएगा 7500, यानी हो गया 11,250। आओ निकाल लो, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, भानु प्रताप आपका याद आएगा 48,750 कर दो 24375, ओके बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है हमारा, करिए से नोट, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर।